12. इसमें तो कोई भी दिशा भूल सकता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा है 10:10 और एक छोटी सी व्लॉग करने का मन किया। एक तो ये विंड शील्ड एक्सट्रैक्शन के रिलेटेड और एक छोटा सा राइड कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी चले हुए और बाइक अच्छे से वॉश भी करवाई अभी तो हाल फिलहाल। गाड़ी में PSI दोनों में 28 हो चुका है, पीछे वाले में थोड़ी कम है हवा। तो चलते चलते अभी देखते हैं 30-32 तक हो जाएगी, अदरवाइज़ या तो फिर मुझे एयर प्रेशर यानी कि हवा डालानी पड़ेगी। और जो विंडशील्ड एक्सट्रैक्शन है, एक्सटेंशन प्रो स्पेस का है और प्रॉपर डेडिकेटेड हिमालयन के लिए ही आया है, 780ER इसमें मॉडल नंबर ये है। और इसकी कॉस्ट है 2450 रुपीज़। और इसके बारे में मैं आगे चलता हुआ बताऊंगा, पर अभी तक की 5 से 3 किलोमीटर इट मीन अप्रॉक्सली मैं चल चुका हूँ। तो मुझे इस पर ये नेगेटिव पॉइंट दिखाई कि स्टार्ट करने पे भी ये जो विंडशील्ड है प्रॉपर पूरी हिल जाती है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है मेरी तरफ से। और धीरे धीरे चलते चलते आगे देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है इससे, कि ये वर्थ है या नहीं। अदरवाइज़ अगर वर्थ नहीं लगता है तो इसको रिटर्न। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आता है मेट्रो स्टेशन की जो ट्रैक है उसका जब चलती है तो, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं जयपुर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद में इवन एज अ मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, थोड़ा सा सोचा कि सांभर लेक की तरफ थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर क्या, बस थोड़ा सा घूम के आए। काफ़ी मन कर रहा था, बहुत टाइम हो गया है गंगापुर से आने के बाद में। इट मीन गंगापुर तो एक दोस्त की शादी की वजह से था, अदरवाइज़ कोई व्लॉग नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। तो इसका मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार चल के भी आ जाएंगे, थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे, तो संडे का मज़ा भी उठा लेंगे। सही सोच के निकले हैं, थोड़ा सा एंजॉय करें। जयपुर में जो ट्रैफिक है वो हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कंस्ट्रक्शन के काम ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो काफ़ी सा बड़ा बोरियत लगता है। जयपुर से निकलते टाइम और आते टाइम पे आधा एक घंटा तो वैसे ही खर्च हो जाता है। जो एक घंटे में आप 100 किलोमीटर कर सकते हो, वो एक घंटे आप सोचो 10 किलोमीटर कर रहे हो, तो कितना बुरा लगता है आपको यार। जयपुर भी दिल्ली और बॉम्बे की तरह बिजी होता जा रहा है बहुत ज़्यादा वाला। एनीवे ये वैशाली नगर, राइट में वैशाली नगर का रास्ता, सामने अजमेर रोड, और जहाँ से आप अहमदाबाद, उदयपुर एंड अजमेर ये सारे रास्ते निकलते बॉम्बे, रूट सिमिलर है यार, तीनों रास्ते एक ही तरफ है। तो मैं भी क्या बता रहा हूँ आपको, गूगल मैप हो गए अब तो। ये भाई जो है सिविल शाइन में वो काफ़ी कटवट मार के जा रहा है यार इधर उधर। ये Q5 है HR नंबर, और इतना गंदा स्मोक दे रही है ना ये, अभी तो नॉर्मल लग रहा है आपको सबको, पर ये जब चलती है ना थोड़ा तेज और, तो ये पीछे से पूरा ब्लैक यानी कि इंजन काम मांग गया बंदे ने, सेकेंड हैंड लिए यानी कि ऐसा पता चलता है इस गाड़ी से। नंबर थोड़े मेरे को है, नंबर भी थोड़े एक्सपेंसिव लग रहे हैं, 666666, बट गाड़ी पे मेंटेन नहीं कर रखा है भाई ने। अब जो रियल रूट है वो स्टार्ट होता है 255 किलोमीटर। तो 55 तो नॉन स्टॉप क्रूज़ करके चलाना पड़ेगा। 25 किलोमीटर तो है, खैर यहाँ से जो टोल आता है वो 25 किलोमीटर तो वो खाएगा भी, क्योंकि पूरा ट्रैफिक रहता है। ये रूट आ चुका है हाईवे छोड़ करके, जो गांव मतलब रास्ता आता है उधर का, एंड काफ़ी खूबसूरत है। एंट्रेंस इतना प्यारा लगा कि मज़ा आ गया यार। और अपोजिट है सूरज से, सूरज पीछे है हमारे, तो बेनिफिट ये है कि आँखों में धूप नहीं है और छाया में चल रहे हैं, खुद की छाया में चल रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हाईवे थोड़ा बोरिंग लगा, और यहाँ पे ये ईंटों के भट्टे हैं जहाँ पे ईंट मैन्युफैक्चर होती है। ये चिमनी थोड़ा सा
अच्छा लग रहा है काफ़ी कि अंदर आने के बाद में एंट्रेंस इतना अच्छा है। ये स्टॉक ईंटों का स्टॉक है। बस एक थोड़ी सी छोटी सी गलती मुझे ये लग रही है कि सांबर लेक को विज़िट करने आप 11:36 और गर्मियों का टाइम हो रहा है थोड़ा सा, तो समझ सकते हो कि वहाँ पे मतलब कोई भी पेड़ नहीं है, तो छाया का कुछ ना कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा कि कैसे छाया मिल पाए। बहन छो छूती है, यार ये ऐसे लोग गाड़ी चलाते हैं ना तो मज़ा नहीं आता यार। या तो खुद की सेफ्टी देखो या फिर मज़े लो रस्तों के। प्रॉब्लम एक यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे कोई पंचर वाला नहीं है। पिछली बार हमारी कार पंचर हुई थी तब हम काफ़ी टाइम पहले आया था मैं यहाँ पे, जब वो बर्ड फ्लू आ रखा था सांबर लेक पे, काफ़ी बर्ड्स मरी हुई थी वहाँ पे, स्मेल भी काफ़ी आती आ रही थी वहाँ पे, तो हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाए थे। आधा घंटा मैक्सिमम रुके और आधे घंटे बाद में हम निकल के आ गए थे। थोड़ा सा ख़राब रास्ता, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चलो बढ़िया है, यानी कि 2-3 महीने में ये रोड भी तैयार हो जाएगी, अच्छी बात है। अब आगे जो रोड मिलेगी वो पैचेस ख़राब नहीं मिलेंगे होप सो, क्योंकि यहाँ पे टारमैक बिछ चुकी है और गर्म भी होगी तो टायर को भी नुकसान पहुँच सकता है। हाँ हीट पैरों तक आ रही है, इतनी गर्म है अभी, टायर पे भी चमक रहे हैं इसके टारमैक। कोई ना, अच्छा मज़ा आ रहा है। ओहो ये जो आवाज़ आ रही है ना टक 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 टक, यह आ रही है वो टायर जब डामर उस पर लग रही है टायर पे, तो जो मडगार्ड होता है वो हट उसकी वजह से हट रही है और उस पर टच हो करके ये आवाज़। भाई साहब सांबर लेक, सांबर झील, अच्छा शुक्रिया। पूरा ऑफ रोड पैच देखने को मिल रहे हैं यहाँ तो, और विंडशील्ड का मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस सरफेस पे चल रही है तो लद्दाख वदाख को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इसको लगाने के बाद में। प्रॉब्लम यही आ रही है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा मैंने अप कर रखी है तो वाइब थोड़ा सा हिल बहुत ज़्यादा रही है, और ये रूट जब आप हाईवे कर रहे हो तो ये प्रॉपर ऊपर रहेगी तो ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल लगता है। वैसे इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो विंड ब्लास्ट से, अगर आपने फुल फेस हेलमेट पहन रखा है जो कि आपका बिना किसी ना तो ऑफ रोड वाला हेलमेट है ना वो फुल फेस हेलमेट जो आते लाइक जैसे कि मेरा वाला है वैसा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको विंड ब्लास्ट की। हिमालयन के विंडशील्ड इनफ है, अगर आप ओपन करके चलाते हो ना 80-100 के बीच में तो आपकी जो आंखें बंद होती है बार बार वो इससे नहीं होता है, बस इतना सा फ़र्क है। और थोड़ा सा जो विंड का जो भारीपन होता है ना, कैसे समझाऊँ, सॉरी, हेलो एक और ऑफ रोड, गाड़ी पूरी धुला के लाया था, अब तो बैंड बच गई होगी। चलो फाइनली आ तो गए हैं हम। एक तरफ पानी, एक तरफ डेजर्ट जो पूरा सूखा हुआ है। पहले यहाँ गूगल मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी पानी हुआ करता था जब
था जो ज़माना, अब वो पता नहीं कब का था, शायद आई थिंक बारिशों में वापस से फुल हो जाएगा प्रॉपर। ये रूट जो है, रूट के ऊपर तक पानी, मतलब दोनों तरफ पानी, ऐसे कह सकते हो। खूबसूरत रास्ता हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऐसा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत जगह सांभर लेक, सांभर 6 किलोमीटर, और लेक जो है वो पूरी 30 से 35 किलोमीटर पे फैली हुई है। ये तो छोटा सा पार्ट है, आगे तो पूरा समुंदर है। अब उस पर तो दिखाता हूँ अभी चल के, गाड़ी गंदी होगी पर मज़ा आएगा। पिछली बार तो हमने वर्णा को डाल दिया था उस पर मिट्टी पे, मतलब पानी के अंदर, मतलब सॉरी पानी नहीं, जो मिट्टी होती है वो पानी जिसमें रहता है, तो वर्णा ने जो गंदा किया ना भाई, गाड़ी पूरी फंस गई और निकल भी नहीं पा रही, और बेवकूफ़ हम भी थे। आज से 6-7 साल पहले आए थे, तो उस टाइम की बेवकूफ़ी और थोड़ा सा गर्म खून, तो पूरा चीज़ें वो अलग हुआ करता था टाइम। अब बाइक से आए हैं तो विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेक सिटी सांभर। बहुत ही खुला हुआ नज़ारा, यहाँ पे कुछ फंक्शन हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे टेंट वगैरह सब कुछ आ रखे। हम लोग जो टेंपल है माता जी का, वहाँ तक के जाने का है, देखते हैं। तो फिलहाल ऐसा रूट है अभी, पूरा वाइट, और चलाओ जितनी चलानी है सामने। बस रास्ता याद रखना होता है, वरना तो बैंड बज जानी है। छाया ढूंढते, उसके नीचे बैठते हैं। चले, बैटरी भी डेड होने वाली है, और ये थोड़ा सरफेस जो है हार्ड भी हो सकता है। हाँ, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेट्स सी, थोड़ी नमी भी है इसमें, इस सरफेस में, तो गाड़ी अंदर गई तो इट मीन मेरे वाली का भी बन रहा है। नहीं, ये रेस नहीं, ये गीली है अभी भी। वाह, इसमें तो कोई भी दिशा भूल सकता है। सीमी भी मिट्टी होती है वो है ये।